CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ता और नेता इस मोर्चा में शामिल हैं। कहीं न कहीं जिस तरह डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, यानी जिस तरह महाराष्ट्र में या पूरे भारत में महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई को देखते हुए मोदी सरकार के खिलाफ यहां पर आंदोलन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के तरफ से मुंबई के वडाला में मोदी सरकार के खिलाफ यानी महंगाई के खिलाफ एक जन आक्रोश आंदोलन किया जा रहा है, यानी मोर्चा निकाला गया है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ता और नेता इस मोर्चा में शामिल हैं। कहीं न कहीं जिस तरह डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, यानी जिस तरह महाराष्ट्र में या पूरे भारत में महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई को देखते हुए मोदी सरकार के खिलाफ यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आंदोलन किया जा रहा है। इस मसले पे जानने की कोशिश करेंगे, गणेश यादव जी हैं, उनसे जानने करेंगे। गणेश यादव जी क्या कहेंगे, आप लोगों ने यहाँ पे महंगाई के विरोध में मोर्चा निकाला, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज ये जो मोर्चा है ये पूरे देश भर में चल रहा है। कहीं ना कहीं ये जनता की आवाज़ है जो हम लोगों के बीच से इस गूंगी भरी सरकार तक लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज महंगाई, पेट्रोल का दाम, गैस का दाम इतना बढ़ गया है कि लोग त्रस्त है। तो कहीं ना कहीं ये गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए देश के हर कोने में आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में और बंबई में भाई जगताप, वर्षाताई गायकवाड़ और सभी अन्य नेतागणों के नेतृत्व में हमने बंबई शहर में भी पूरे 227 वार्ड में ये मुहिम छेड़ा है कि जनता की आवाज बनकर हम इस गूंगी बहरी सरकार तक पहुँचाए। एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ किसानों का जो मुद्दा था, अब मोदी सरकार बैकफुट पे आई है, इस पर क्या करना चाहिए? देखिए, ये उनको आना ही था। आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आपको याद होगा तो बहुत, एक साल डेढ़ साल पहले जब इन्होंने ये तीन कानून लाए थे, काले कानून, उस समय पे ही कहा था कि इनको ये वापस लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये देश के विरोध है, ये देश के किसानों के विरोध है। तो कहीं ना कहीं ये गूंगी बहरी सरकार को इतने लोगों की मौत होने के बाद, इतने किसानों को मौत के घाट उतारने के बाद, एटलीस्ट अब तो ये उठे हैं, अपने अभी तो उठे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमको खुशी भी है बट इस बात का दुख भी है कि इतने मौतों के बाद वो उठे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये देश की हार है, भले चाहे अब किसानों की जीत हुई है बहुत दिनों के बाद, बट देश के लिए हार हुआ। कि अब आम इंसान भी समझने लग गया है कि मोदी सरकार के हाथ में सरकार देना कहीं ना कहीं घाटे में गई है। ज़रूर, आने वाले चुनाव में आप नतीजे देखो, आपको समझ में आ जाएगा। जी हाँ, कहीं ना कहीं कचरू यादव जी हमारे साथ हैं, यहाँ के पूर्व नगर सेवक, उनके नेतृत्व में ये पूरा मोर्चा ऑर्गेनाइज किया गया है, उनसे जानने को कोशिश करेंगे। कचरू जी क्या कहेंगे, जिस तरह आप लोग ने ये मोर्चा निकाला है, मुंबई के हर एक वार्ड में इस तरह के मोर्चे देखे जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोग वडाला के अंतर्गत में इस मोर्चे को आयोजन किया, क्या कहेंगे? देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी और मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय भाई जगताप जी, इनके मार्गदर्शन पर आज साइन कोलोड़ा विधानसभा में वार्ड नंबर 175 में शालेय शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड़ इनके नेतृत्व में आज यहां पर महंगाई के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। महंगाई के खिलाफ पूरे मुंबई शहर में हो रहा है, लेकिन आज ये आंदोलन हमारे पूरे मोहल्ले के जो लोग हैं, जनता है, उनको साथ में लेके कर रहे हैं। आप देखेंगे, बढ़ती महंगाई, बढ़ती रोजगारी, किसान का मुद्दा, जिस तरीके से आज मोदी सरकार इसके फ्लॉप हुए हैं और लोग उनके खिलाफ हुए हैं, आज ये कहीं ना कहीं देश को उसका भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आप देखेंगे, कोरोना काल में उन्होंने इतने तकलीफी दिए हैं, इतना झेलना पड़ा है, उसका कोई गिनती नहीं है। आज इसके खिलाफ लोगों को जन जागृति करने के लिए आज हम लोग रास्ते में उतरे। गैस के भाव, पेट्रोल के भाव, डीजल के भाव रोज के रोज बढ़ रहे और उसका भुगतान हमारे मोहल्ले में रहवासियों को करना पड़ रहा है। तो हम कहीं ना कहीं इसकी आवाज़ उठनी चाहिए करके मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप जी ने पूरे मुंबई शहर में गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में वार्ड वाइज ये कार्यक्रम दिया है। उसके मद्देनज़र रखते हुए वार्ड नंबर 175 की माजी नगर सेविका ललिता कचरू यादव, इन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसमें हमारे गणेश भाई यहाँ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष है, विधानसभा के नेता है, हमारे मुंबई के नेता संदीप शुक्ला जी हैं, तुषार गायकवाड़ जी है, राजू टक्कर जी है, कंदस्वामी कृष्ण जी है, हम सब लोग आज इस मोर्चे में सहभागी होकर विरोध दर्शा रहे हैं।
बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस मोर्चा में शामिल है। पूर्व नगर सेविका ललिता जी है, उनसे जाने की कोशिश करेंगे। मैडम क्या कहेंगे, आपके साथ महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर इस महंगाई के विरोध में यानी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो हमारी सोनिया गांधी जी खुद ही कहते हैं कि महिलाओं को बाहर निकलना चाहिए, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो महंगाई बढ़ाई गई है मोदी सरकार ने, उसके लिए हमारी महिलाएं बाहर गिर रही है। क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते हैं, तो सबसे पहला बजट जो हिलता है वो महिलाओं का रहता है। घर में आदमी कितना भी कमा के लाओ, लेकिन कम पड़ रहा है। महिलाएं इससे जूझ रही है, बच्चे लोगों को अच्छा खाना पीना नहीं मिल रहा है, पढ़ाई कम हो रही है। ये सारा जो खेल है मोदी सरकार का है, महंगाई बढ़ाने के वजह से। इसलिए हर महिला मेरे कदम से कदम मिलाकर बाहर गिरी है। शायद हमारे पुकार से महंगाई कम हो, मोदी सरकार की आँख खुले, झूठी सरकार को कुछ तो थोड़ा सा जनता को दिलासा मिले। यहाँ कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी ने भी कहा था कि मोदी सरकार को किसान बिल वापस लेने पड़ेंगे, और वही नतीजे वापस निकले हैं। लेकिन जिस तरह पूरे भारत में या पूरे देश में महंगाई का विरोध किया जा रहा है, यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुंबई के हर एक वार्ड में इस तरह के भव्य मोर्चा निकाला जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में महिला पुरुष हर वर्ग के लोग शामिल है। संदीप शुक्ला जी उनसे जाने करेंगे। संदीप जी क्या कहेंगे, आप लोग इस मोर्चे में शामिल है, क्या करना चाहिए? पूरी देश की जनता जिस तरीके से त्रस्त है, उसके विरोध में, मोदी सरकार के विरोध में हमने मोर्चा निकाला, और जनता की हुजूम देखकर आप देख सकते हैं कि जनता कितनी त्रस्त है। मैं इस चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द महंगाई कम करें और जनता को थोड़ी राहत मिले। यहां महंगाई कम किया जाना चाहिए। सर क्या कहेंगे, आप लोग काफी इस मोर्चे में शामिल है, हर जगह मुंबई में इस तरह के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी तरफ से क्या करना चाहिए? हमने मुंबई में 227 वार्ड में ये ऐसे मोर्चे आयोजित किए जा रहे हैं, जन जागरण अभियान जागरूक किया जा रहा है, और इनको लोगों का अच्छा समर्थन भी प्राप्त हो रहा है, क्योंकि लोग जो है महंगाई कारण त्रस्त है, उनका जीना मुश्किल हो गया है, खाना पीना और पढ़ाई भी करना मुश्किल हो गया है। गरीबों के लिए ये सरकार बहुत घातक है और गरीबों के खिलाफ है, इसके लिए लोगों का समर्थन भी आप देखते हो गए कि हमारे साथ इतना लोग जुड़े हुए हैं, और कांग्रेस के साथ हर एक आप जानते लोग जुड़ने के लिए हम इस आप सबको अपील करते हैं। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बड़ा जन आक्रोश यानी मोर्चा निकाला गया है, रैली निकाली गई है मोदी सरकार के खिलाफ। जिस तरह पूरे देश में महंगाई की वजह से हर एक आदमी, मध्य वर्ग के लोग हो या छोटे या बड़े, हर कोई परेशान है। जिस तरह किसानों का मुद्दा गरमाया हुआ था और मोदी सरकार किसानों का मुद्दे को वापस, किसान बिल वापस लेने का फैसला किया, उस तरह देख सकते हैं कि महंगाई कम करने की अपील किया जा रहा है। महंगाई देखते हैं कब तक कम होता है, लेकिन मुंबई के हर एक वार्ड में इस तरह के कांग्रेस पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और महंगाई के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज मुंबई। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ता और नेता इस मोर्चा में शामिल हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, यानी जिस तरह महाराष्ट्र में या पूरे भारत में महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई को देखते हुए मोदी सरकार के खिलाफ यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है।